हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एशियन तड़का। आज की वीडियो में मैं आपके साथ मैंगो की बहुत ही टेस्टी ड्रिंक शेयर करूंगी, जिसके बाद आप बाहर की फ्रूटी माजा सब भूल जाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ दो बड़े आम और एक छोटी आमी के छिलकों को पीलर की सहायता से हटा दिया है। उसके बाद इन्हें स्क्वायर शेप में कट भी कर दिया है। आप इन्हें किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस आप इसके ना रखें। नाउ अब सभी मैंगोज के पीसेस को एक बड़े से पतीले में डालकर पूरे आधे घंटे तक पका लें। अगर आपके आम थोड़े ज़्यादा पके हुए हैं तो उन्हें पकने में कम समय लगेगा, तो आप उन्हें करीब 20 मिनट तक पकाएं। और यदि आपके आम कच्चे साइड में हैं तो आप उन्हें 40 मिनट तक पकाएं। और इसमें मैंने इतना पानी डाला है कि मेरे सभी आम इसमें डूब जाएं। आप चाहें तो पानी थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। साथ साथ मैंने यहाँ 1 कप चीनी को 2 कप पानी में घोल लिया है। ध्यान रहे कि हमें यहाँ कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी घुलते ही गैस बंद कर दें। अब हमारे आम भी अच्छे से पक चुके हैं, तो गैस की फ्लेम को बंद कर इन्हें ठंडा होने के लिए आधा घंटा एज इट इज़ छोड़ दें। आओ, हमारा मिक्सचर ठंडा हो चुका है, तो अब इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे। छलनी की मदद से इसे छानकर एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। आप शुरू में ही एक बड़ा बर्तन लें। मेरा बाउल छोटा पड़ गया था, तो जिसकी वजह से मुझे बदलना पड़ा। ये देखिए हमें आम का कितना स्मूथ टेक्सचर मिला है। अब इसी स्टेज पर हम अपनी जो हमने चीनी का पानी बनाया था वो डाल देंगे। ऊपर से 2 बड़े ग्लास पानी और ऐड कर देंगे। अगर आपके आम छोटे थे तो आप उस हिसाब से पानी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लास्ट में मैंने इसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए 1 चम्मच विनेगर का यूज़ किया था। आप यहां 1 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब यह बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो इसे सर्व करने से पहले 4-5 घंटे तक फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दें, और इसे आप 7 से 10 दिन तक ही स्टोर कर सकते हैं। वैसे तो ये ड्रिंक आपकी इतनी टेस्टी बनेगी कि ये 2 या 3 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी। आई होप आपको इस रेसिपी के सभी स्टेप्स अच्छे से समझ आए होंगे और आप इसे घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।